अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कफ, क्योंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे थे, ठीक है। पिछले हमने दो तीन इसकी डिजीज़ को डिस्कस किया, आज हम डिस्कस करेंगे कफ। क्या होती है कफ? लंग्स के अंदर कोई इरिटेशन हो जाना उसकी वजह से खांसी है। शाबाश। वैसे ये एक ना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। जब भी आपका जो रेस्पिरेटरी पाथवे है ना, ठीक है, उसमें कोई इरिटेशन आती है या कोई रुकावट आती है ना, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए अल्लाह ताला ने एक क्या बनाया है, आपका रिफ्लेक्टिव या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बनाया है, जिससे वो जो पाथवे है ना वो क्या हो, क्लियर हो, ताकि आपकी सांस जो का अमल है ना वो क्या हो सके, नॉर्मलाइज हो सके, ठीक है। ये हमेशा तभी है कि जब या तो आपका जो मतलब ब्रोंकियोल्स है ना, छोटी छोटी नालियां हैं, ठीक है, या लंग्स में जब भी कहीं भी ना कहीं कोई इरिटेशन होती है ना, वो इरिटेशन कैसे हो सकती है, या तो म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब वो एक अलहदा मैकेनिज्म है, ठीक है। जब भी कहीं रुकावट फील होगी ना, तो आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको क्लियर करने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं कफ, ठीक है। जब भी आपको कफ होती है तो यानी कि ना एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है, ठीक है, जिससे ये होता है कि कोई अगर रास्ते में कोई रुकावट है या कोई इरिटेशन है ना, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, तो इसे हम कहते हैं कफ मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, अब वैसे यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कौन कौन सी दवाइयाँ दे सकते हैं, यहाँ हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कफ क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है, बस जनरलाइज थोड़ा सा बताना था, वो आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, वो कहता है इसकी जो प्रोटोटाइप ड्रग है ना वो दो हैं, एक हम इसमें कोडेन देते हैं और दूसरी है डेक्स्ट्रो मेथ्रो फीन, ठीक है। ये दो ड्रग्स हैं जो हम कफ में दे रहे होते हैं, ठीक है। आज हम कोडेन के बारे में पढ़ लेते हैं, कोडेन क्या होती है, ठीक है। आपने अक्सर कफ सिरप देखे होंगे ना, ठीक है, उनमें ये लाजमी होती है, ठीक है, उसके, हाँ, उसके फार्मूले के अंदर कोडेन। अब जिस तरह हम बात करें ना पल्मोनाल, सबसे कॉमनली आपको पता है कफ के तौर पे, तो उसमें चार पांच चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो कोडेन कफ के लिए यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि ये क्या करती है, ये बेसिकली ना आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, वहाँ, क्योंकि मैंने कहा ना कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, ठीक है, तो आपका ब्रेन इसको चला रहा होता है, तो ये क्या करती है, ये ब्रेन में जो एरिया है ना जो कफ की सेंसिटिविटी को मतलब कंट्रोल करता है या मापता है, उसको क्या कर देती है, CNS में है ना जो कफ को, उसको कम कर देती है, उसकी सेंसिटिविटी को क्या कम कर देती है, काम कर देती है, जिसकी वजह से आपको मतलब कफ का वो रिफ्लेक्स फील नहीं हो रहा होता, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये आपका जो म्यूकोजल सिक्रीशन है ना, उनको भी क्या कर रही होती है, काम कर रही होती है, उनको भी काम कर रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि जो आपकी अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो कफ होती उस वक्त है जब आपका म्यूकोजल सिक्रीशन बढ़ जाती है, सिक्रीशन से आपके जो नालियां हैं ना वो बंद होना शुरू होती हैं, तो फिर एक रिफ्लेक्स आ रहा होता है, ठीक है, तो ये उस म्यूकोजल सिक्रीशन को भी कम कर रही होती हैं और आपकी जो सेंसिटिविटी है ना उसको भी क्या कर रही होती हैं, कम कर रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो वो कहता है कि जो लोअर डोजेज पे हम यूज़ करेंगे ना, तो इसका एक और भी मतलब फ़ायदा मिलता है कि एनल्जेजिक के तौर पे भी काम करती है, पेन वगैरह होता है ना उसको भी क्या कर रही होती है, रिलीफ कर लेती है, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, ठीक है, उसके बाद डिस्फोरिया होता है, फटीग होती है, ठीक है, और थोड़ी सी ना इसमें होती है कि बंदा इसका एडिक्टिव हो जाता है, आदि हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी आप ड्रग यूज़ करोगे ना, वो आपको क्या देती है, थोड़ा सुकून देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है, आप उसकी फिर आदत यानी कि अडिक्टिव थोड़ा सा होता है कि यार मैं दोबारा लूँ, सुकून के पीछे इंसान भागते हैं। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है, आगे है बच्चों आपका डेक्स्ट्रो मिटोफेन, ठीक है, ये भी आपकी कफ के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें वो कहता है कि ये भी सिंथेटिकली डेरिवेटिव है किसका, मॉर्फिन का, ठीक है, मॉर्फिन आपको पता है एनल्जेसिक के तौर पे यूज़ होती है, खांसी और काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ हो रही होती है, तो ये भी उसका एक डेरिवेटिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये क्या करती है, ये भी आपका जो कफ सेंटर है ना उसको क्या कर रही होती है, सप्रेस कर रही होती है, ठीक है, जब भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस होगा, ठीक है, या तो आपको फिर गनूदगी और ये वाली चीज़ें आएंगी, ठीक है। अच्छा, इसका कोई वो इफेक्ट नहीं होता, एनर्जेटिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ये भी थोड़ी सी क्या रखती है, एडिक्टिव प्रोफाइल रखती है, इसकी भी बंदे को आदत होती है, अगर आप कोई
कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करोगे ना तो फिर आपको इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हैं इसके भी, ठीक है ले। और बाकी ये कहता है कि ये जो आपकी कोडेन है ना उससे बेटर इसका रिज़ल्ट आपको मिलता है। ठीक है, मतलब अगर हम कंपेयर करें साइड इफ़ेक्ट और बेटरमेंट को, तो आप इसकी जो इसकी प्रोफाइल है ना वो हाँ कम होंगे और इसकी जो मतलब इफ़ेक्ट है ना वो ज़्यादा होगा, तो उससे बेटर प्रोफाइल मिलती है आपको इसकी। ठीक है,